द्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और एफटीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा सिडकुल क्षेत्र के राबली महदूद स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक के मकान से बरामद किया है। इस मामले पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती का कहना है कि राबली महदूद से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जहां कई बार मेडिकल शॉप का निरीक्षण किया मगर वहां पर कुछ बरामद नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि सूचना मिली कि मेडिकल संचालक अपने घर से प्रतिबंधित दवाइयों के व्यापार कर रहा है, जिसके बाद वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल संचालक के पास ना तो दवाई बेचने का लाइसेंस है और ना ही घर से दवाइयाँ बेची जा सकती हैं। वहीं इस मामले पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है, और यहाँ थाना सिडकुल और नार्कोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया, और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पर है और नार्कोटिक टीम और एसओ सिडकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया गया है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी बात जो नार्कोटिक दवाइयाँ हमने जब्त की हैं उनका हम सीजर मेमो तैयार कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी।